हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे बिटवीन नंबर का रिवीजन। आज हम करेंगे बिटवीन नंबर, हमने पहले सीख लिया है उसका आज फिर से हम रिवीजन करेंगे। बिटवीन नंबर में कैसे करते हैं, एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा है और बीच में बनाया है ब्लैंक। तो यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 8, तो 6 और 8 के बीच में ब्लैंक में जो हम नंबर लिखेंगे वो होगा 6 एंड 8 का बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर यानी 6 के बाद जो नंबर आएगा और 8 के पहले जो नंबर आएगा, दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो होगा इसका बिटवीन नंबर। ठीक है, 1 से 100 अभी आप अच्छे से कर रहे हो ना सब, तो वैसे ही 1 से 100 तक के बिटवीन नंबर हम करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। मैं 2-3 करवाऊंगी, फिर बाकी के आपको अपनी क्लास वर्क की या होमवर्क की जो भी बुक में आपको लिखना है वो बुक में आपको खुद करना है एंड उसको अच्छे राइटिंग में लिखना है। ठीक है, हम करेंगे 6 blank 8। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, बिटवीन नंबर यानी सेम आफ्टर नंबर जैसा ही होता है। आफ्टर नंबर में सेम हम ये नंबर के बाद वाला नंबर लिखते हैं ना, बिटवीन नंबर में भी वो ही मेथड आएगा। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ हमारा आंसर। देखो पूरी रो फिनिश हो गई, 6 7 8, है ना। तो 6 और 8 का बिटवीन नंबर हुआ 7। 6 के बाद में आता है और 8 के पहले आता है, तो दोनों के बीच में आया 7। दूसरा है 3 1 31 blank 3 3 33। तो 3 1 के बाद हम कौन सा नंबर लिखते हैं, तो बोलेंगे 3 1 31, फिर 3 2 32 एंड 3 3 33। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो 31 32 33, 31 एंड 33 के बिटवीन में आया, बीच में आया 3 2 32 नंबर। तो ये हुआ 31 और 33 का बिटवीन नंबर। ठीक है, तीसरा है 5 7 57। नंबर पहले तो अच्छे से पढ़ेंगे, 5 7 57, उसके बाद आएगा 5 8 58 एंड उसके बाद 5 9 59। 5 7 के बाद आया 5 8, उसके बाद तो लिखा ही है 5 9। तो ये भी हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। तो 5 7 और 5 9 का बिटवीन नंबर आया 5 8। 5 7 57 5 8 58 5 9 59। ये है 1 0 10। 10 के बाद क्या लिखते हैं हम, 1 0 10। 1 से 10 की लाइन खत्म होती है, फिर क्या लिखते हैं, 10 के बाद क्या आता है, 1 1 11। तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो 10 और 12 के बीच में आया
नंबर 11, 10 और 12 का बिटवीन नंबर कौन सा हुआ? नंबर 11। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी बिटवीन नंबर अपने बुक में ये सारे फिनिश करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको रिवाइज करके बता दिया कैसे करते हैं, ये बाकी जो है वो आप अपनी बुक में फिनिश करोगे। ये भी लिखना है आपको साथ में, पहले इसको लिखोगे, फिर यहाँ से जो बाकी है वो आप अपने आप करोगे। ओके।